मदर जिराफ गिव्स बर्थ टू अ बेबी जिराफ. जब जिराफ का बच्चा दुनिया में पहली बार आता है, डू यू नो व्हाट डज मदर जिराफ डू? माता जो होती है, मदर जो होती है, मदर इज नोन फॉर हर अनकंडीशनल लव इन रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, इन रेस्पेक्टिव ऑफ इवन एनिमल किंगडम. वहां भी किसी भी जानवर आप देखेंगे, हथनी कैसे अपने बच्चे को संभालती है, मुर्गी कैसे अपने बच्चे को संभालती है, आप सब जगह आप देखेंगे एनिमल प्लैनेट पे, तो आपको पता चलेगा जो माँ का समर्पण होता है कितना ज्यादा होता है. अनकंडीशनल लव के लिए माँ जानी जाती है. लेकिन द मोमेंट यंग जिराफ, बेबी जिराफ कम्स टू द वर्ल्ड, मामा जिराफ वेलकम्स इट विद केक. अद्भुत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी यही सोच रहा था. लेकिन मैंने ध्यान से देखा और पाया कि ये किक नहीं, मामा जिराफ गोज ऑन गिविंग किक आफ्टर किक टू द टेंडर यंग जिराफ जो अभी अभी इस संसार में आया, जिसको बहुत प्यार की जरूरत है. मामा जिराफ वेलकम्स द बेबी जिराफ विद किक्स. फ्रेंड्स, क्यों ऐसा होता है? मैंने बहुत सोचा इस पर और मुझे पता चला कि मामा जिराफ नोज एंड नोज इट फॉर श्योर. The only chance for the survival of my baby is right when it is born, it should be able to stand on its feet and run with me. तो मेरे दोस्त, यही बात है ट्रेनिंग सेंटर की भी. यहाँ के जो लोग ट्रेनर्स हैं, they are like your mama giraffe. उनको पता है कि any chance for the survival of my cadets is they are tough not physically but even mentally. तो मेरे दोस्त, जब लगे आपको ज्यादती कर रहे हैं तो आपको याद आनी चाहिए मेरी स्टोरी ऑफ मामा जिराफ. और ये आप समझें कि इट इज टू बिल्ड यू ऑन मेंटल टफनेस मोर देन फिजिकल टफनेस.